गाड़ी है टियोस लीवा, गाड़ी में प्रॉब्लम है क्योंकि गाड़ी ने एक्सलेटर नहीं ले रही है। ठीक है उस्ताद, करते स्टार्ट, गाड़ी रेस नहीं ले रहे। पूरा एक्सलेटर दबा रहा हूँ, गाड़ी रेस नहीं ले रही है। गाड़ी स्टार्ट है, अब हम करेंगे इसको स्कैन। स्कैन किया इसको, जो कार्ड आ रहा है ये आ रहे हैं P2118 रेंज परफॉर्मेंस ऑफ टोटल एक्चुएटर कंट्रोल मोटर। ये तीनों को टोटल बॉडी एक्चुएटर मोटर के कोड बनना है, एक करंट में, एक बेंडिंग में, एक एसटी में। हमने इसके हम करंट चेक करेंगे इसके टोटल बॉडी का। मल्टीमीटर लगाएंगे इसका, एक निगेटिव में लगा देंगे इसको, डीजल वोल्ट में लगा कर फिर करंट चेक करेंगे। इसमें पहली वाली में आएंगे 4.93, दूसरी वाली में आएंगे 5 वोल्ट, तीसरी वाली में आएंगे 4.93, और इसमें आएगा एक में ग्राउंड। ग्राउंड ये हमारी आली तार होगी ग्राउंड की 12 वोल्ट, बाकी दो मोटर की हैं जो इसे कंट्रोल करता है। हमारी वोल्टेज तार सब ओके, वायरिंग ओके हमारी। इसमें जो फॉल्ट मिला है उसका फॉल्ट, इसमें जो फॉल्ट है उसमें एक लोकल फ्यूज का यहाँ पर लगा हुआ, ये आपके 7 नंबर का फ्यूज, 7 नंबर पे जो फ्यूज है लोकल लगा होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है इसका अलग फ्यूज टोटल बॉडी का है। ये फ्यूज टोटल बॉडी का है 7 नंबर का, ये हमने लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7। ये किसी ने लोकल फ्यूज लगा रखा था तो वो कभी काम करता था कभी नहीं करता था। फ्यूज हमने लगा दिया है, देखते हैं कोड का, इसे ऑन करा न्यूट्रल कोड, न्यूट्रल बॉडी के फिर निकला था इसलिए कोड आ रहा था, क्लियर करके क्लियर कर दिए। नो फॉल्ट कोड, गाड़ी स्टार्ट करो, रेस पकड़ो। हमारी ये गाड़ी रेस पकड़ने लगी है फुल। ठीक है भाई, ठीक है भाई।